हेलो दोस्तों, कुक विद मनु में आपका स्वागत है। और मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ कटहल मसाला फ्राई की रेसिपी। देखिए कितनी स्वादिष्ट ये जो है कटहल की सब्ज़ी मैंने बनाई हुई है, एकदम सूखी सी फ्राई वाली। तो चलिए बिना देर किए हुए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो कटहल मसाला फ्राई बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ये जो कटहल लिए हैं ये वज़न में लगभग आधा किलो के बराबर हैं और इन्हें मैंने कट कर लिया है। आप इन्हें मार्केट से भी कट करवा कर छिलवा कर ला सकते हैं, जैसा भी आपको सही लगे। कट करने के लिए आप हाथों पे और नाइफ पे इस तरीके से ऑयल लगा लीजिए और इसके बाद इसे कट कर लीजिए। जैसे भी शेप्स में आपको पसंद है, मुझे ज़्यादा छोटे भी पसंद नहीं है और ज़्यादा बड़े भी पसंद नहीं है, इसीलिए मैंने मीडियम साइज़ के जो शेप्स हैं पीसेस हैं वो कट करके ले लिए हैं। और यहाँ पर मैंने ये जो कटहल के बीज होते हैं इसके बाद की एक लेयर होती है पतली सी, जो कि थोड़ी सी कड़क होती है, इसे भी मैंने इस तरीके से निकाल लिया है। कभी कभी कोई कटहल जो होती है वो ज़्यादा बड़ी हो जाती है, जैसे कि 2 किलो से ऊपर वाली जो कटहल होती हैं जिनका पीस हम ले आते हैं, तो उनके जो बीज के पास होते हैं छिलके जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं और बहुत हार्ड होते हैं, इसीलिए हमें इन्हें हटा लेना चाहिए। अब मैंने एक पैन लिया है और पैन में डाल दिए हैं 2 बड़े चम्मच के बराबर तेल। जब तेल अच्छा गर्म हो जाएगा तब हम इसमें ये जो हमने कट करके रखे हैं कटहल के पीसेस इन्हें डाल देंगे। थोड़ा दूर से डालें क्योंकि तेल अब गर्म हो गया है, और यदि थोड़ा बहुत भी मॉइस्चर जो है कटहल के पीसेस में होता है तो जो तेल है वो उचकने लगेगा और हाथों पे लग सकता है। तो इस तरह मैंने जो सारा कटहल लिया था इसे मैंने डाल लिया है यहाँ पे, और बिना मिलाए मैंने इसे सबसे पहले ढक दिया है 1 मिनट के लिए। 1 मिनट बाद हम इसे हटा लेंगे और अब हम इन्हें मिक्स कर लेंगे, बिल्कुल हल्के हाथों से मिक्स करेंगे। तो यहाँ देखिए इस तरीके से इसे मिक्स कर रहे हैं, जिससे कि क्या होगा कि ये क्रिस्पी भी होते जाएंगे, फ्राई भी होते जाएंगे और अंदर से भी कुक होते जाएंगे। इसीलिए ज़्यादा हमें इन्हें फ्राई भी नहीं करना है ना ही कुक करना है, बस इससे बहुत ही अच्छा सा एक फ्लेवर आ जाता है इसमें, इसीलिए हम इन्हें थोड़ा सा फ्राई कर रहे हैं। अब मैंने यहाँ पर 1/2 टीस्पून जितना जो है नमक डाल दिया है, जितना भी आपको सही लगे आप उतना डाल सकते हैं। अच्छी तरह इसे मिला लेंगे और इसे दोबारा हम ढककर छोड़ देंगे 2 से 3 मिनट के लिए। 2 से 3 मिनट बाद ढक्कन हटा लेंगे, इसे फिर से चला लेंगे। तो अब यहाँ पे कुछ जो पीसेस होंगे वो हमें अच्छे फ्राइड दिखने लगेंगे। तो यहाँ देखिए मैंने गैस का फ्लेम मीडियम रख के इसे 2-3 मिनट और फ्राई कर लिया है। इसके जो बीज हैं वो अच्छे फ्राई होते हुए दिख रहे हैं, बिल्कुल गोल्डन हो गए हैं, और कुछ पीसेस जो हैं वो भी अच्छे फ्राई दिखने लगे हैं। तो बस इतना ही फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा इन्हें फ्राई नहीं करना है, क्योंकि मसाले में इन्हें कुक करेंगे तो ये बहुत ही बढ़िया फ्लेवर देंगे। अब हम इसे ढक कर साइड में रख देते हैं और आगे की प्रोसेस कंटिन्यू करते हैं। सब्जी बनाने के लिए मैंने ये कढ़ाई ले ली है, आप कोई सी भी कढ़ाई ले सकते हैं। और अब हम इसमें तेल डाल देंगे। तो तेल जो है यहाँ 1/2 बड़े चम्मच के नाप से डाल रही हूँ, 2 बड़े चम्मच जितना तेल डाल दिया है। तेल अच्छा गरम कर लेंगे, जब तेल गरम हो जाएगा इसमें 1 पिंच जो है हींग डाल देंगे। हींग के बाद हम इसमें डाल देंगे प्याज का पेस्ट। तो ये 4 बड़े साइज़ की प्याज ली है मैंने, इन प्याज को मैंने मिक्सी में पीस लिया है। यदि आप चाहें तो बारीक कट करके भी ले सकते हैं या ग्रेटर से ग्रेट करके भी ले सकते हैं, बहुत ही बढ़िया ये जो है फ्लेवर देते हैं। 2 से 3 मिनट तक हम इन्हें फ्राई करेंगे, क्योंकि प्याज जो है इसे हमने पीस लिया है, इसीलिए जितना भी ऑयल हम डालेंगे वो सारा ये जो है सोख लेंगे। तो इस तरह देखिए मैंने इन्हें फ्राई कर लिया है, बहुत ज़्यादा अभी नहीं किया है क्योंकि अभी हम लहसुन और हरी मिर्च भी डालेंगे। तो 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और अब हम इसमें ऐड कर देते हैं बारीक कटी हुई लहसुन और हरी मिर्चें। तो जो लहसुन है वो 8 से 10 ली हैं मैंने, और हरी मिर्चें 3 ली हैं छोटे साइज़ की। इन्हें भी मिला करके हम फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे तेल जो है बिल्कुल कम हो गया है, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा ऑयल फिर से डाल रही हूँ। तो ये 1 बड़े चम्मच जितना जो है मैंने फिर से ऑयल डाल दिया है, क्योंकि प्याज तो हमारी फ्राई हो जाएंगी, उसमें बहुत सारा ऑयल जो है वो ऑब्जर्व भी हो गया है, पर लहसुन और हरी मिर्चें फ्राई नहीं होंगी। ये तेल भी जो हमने एक्स्ट्रा में डाला ये भी पूरा गायब हो गया है,
अब हम ज़्यादा तेल यहाँ पे नहीं डालेंगे, बिल्कुल गोल्डन ब्राउन जो है मैंने यहाँ पे कर लिया है प्याज को और लहसुन को। और अब मैं यहाँ पे 1 टीस्पून जितना जो है जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल रही हूँ। इसे भी अच्छी तरीके से मिला लेंगे कि जला नहीं है, ये गोल्डन ब्राउन हुआ है, जिससे कि टेस्ट जो है वो बहुत ही अच्छा आएगा। और अब हम इसमें टमाटर डाल देते हैं। तो ये मैंने 3 छोटे वाले टमाटर लिए हैं, जिन्हें कि मैंने इस तरीके से थोड़ा बड़ा बड़ा कट करके लिया है। इसे डाल देंगे। यदि आप चाहें तो यहाँ पर टमाटर की प्यूरी बना के ले सकते हैं और प्याज को बारीक कट करके भी ले सकते हैं, जैसा भी आपको सही लगे। और अब मैंने यहाँ पर नमक डाल दिया है, तो नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लीजिए। अच्छी तरह मिला लेंगे, जिससे कि जो है टमाटर जल्दी कुक हो जाएंगे। तो अच्छी तरह मिला लेने के बाद मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ। तो ये मिक्सर का जार जिसमें मैंने प्याज को पीस के लिया था, उसी में मैंने 2 बड़े चम्मच जितना पानी डाल करके सब्ज़ी में ऐड कर दिया है। अच्छी तरह इसे अब हम मिला लेंगे और टमाटर पकने तक का वेट करेंगे। तो अब मैं इसे ढक कर 3 से 4 मिनट तक जो है इसे कुक करने वाली हूँ। 3 से 4 मिनट हो गए हैं, हम ढक्कन हटा लेते हैं और अब हम चला के देखेंगे। तो टमाटर जो है एकदम बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं। इस तरीके से हम पानी डालकर जब ढक्कन लगा के टमाटर को कुक करते हैं, तो ये जो टमाटर होते हैं बहुत ही जल्दी कुक हो जाते हैं। देखिए बिल्कुल साइड से हल्का हल्का सा ऑयल जो है वो निकलने लगा है। अब हम इसमें मसाले डाल देंगे। तो मसाले जो हैं मैंने डाल दिए हैं यहाँ पे लगभग 1.5 छोटे चम्मच के बराबर धनिया पाउडर डाल दिया है, 1 छोटा चम्मच जितना गरम मसाला डाल दिया है मैंने, 1/2 छोटी चम्मच जितना हल्दी पाउडर डाला है, साथ ही में लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। तो लाल मिर्च पाउडर जो है लगभग मैं 1.5 चम्मच के जितना डाल रही हूँ, क्योंकि ये जो सब्ज़ी है थोड़ी मसालेदार ही अच्छी लगती है, इसीलिए मैंने यहाँ पर मसालों की जो मात्रा है थोड़ी सी ज़्यादा रखी है। आप कम भी कर सकते हैं, जैसा भी आपको सही लगे। मसाले डाल लेने के बाद हम इन्हें तब तक फ्राई करेंगे जब तक कि इसमें से हल्का सा ऑयल ना निकलने लगे। बिल्कुल साइड्स पे हल्का सा जो ऑयल है वो अब दिखने लगा है हमें, क्योंकि हमने इसमें ऑयल की जो मात्रा है वो बहुत ही कम रखी है। मतलब कि ज़्यादा तो डाली है पर बहुत ज़्यादा इसमें ऑयल लगता है, इसीलिए ज़्यादा ऑयल इसमें नहीं निकलेगा। अब जैसे ही हल्का सा ऑयल हमें दिखे मसाले में ऊपर, हम इसमें डाल देंगे ये जो फ्राई किए हुए हमने कटहल के पीस रखे हुए थे इन्हें, और अच्छी तरह इन्हें अब हम मिक्स कर लेंगे। तो एकदम बढ़िया सी मसालेदार ये जो हमारी सब्जी है बनकर के रेडी हो गई है। देखिए अभी रेडी तो नहीं हुई है, अभी हम इसे और भी फ्राई करने वाले हैं, जिससे कि इसमें मसाले का फ्लेवर भी अंदर तक जाएगा और ये सब्ज़ी बहुत ही स्वादिष्ट हो जाएगी। कितनी टेस्टी दिख रही है आप देखिए। तो अब हम इसे ढककर छोड़ देंगे 5 मिनट के लिए, बिल्कुल लो फ्लेम पे ढककर छोड़ दीजिए। और यदि आपको लगे कि आपका बर्तन जो है नीचे से चिपक जाता है, ज़्यादा मोटा है, तो आप उसे बीच में 1-2 बार भी चला सकते हैं। 5 मिनट बाद मैंने ढक्कन हटा लिया है, अब मैं इसे अच्छी तरह मिला लेती हूँ। यहाँ ये सब्ज़ी जो है बहुत ही टेस्टी बनकर रेडी हुई है। देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ कितनी मसालेदार ये सब्ज़ी जो है दिखाई दे रही है। ये सभी को बहुत पसंद आएगी, आप इसे इस तरीके से एक बार ज़रूर बनाना। अच्छी तरह इसे मिला लिया है और अब हम इसे चेक कर लेते हैं। तो चेक करने के लिए एक मीडियम साइज़ का या थोड़ा सा बड़ा पीस जो है आप उसे ले लीजिए और नाइफ़ की हेल्प से देख लीजिए। तो नाइफ़ देखिए अभी भी थोड़ा हार्ड जा रहा है, इसमें एकदम सॉफ्टली नहीं जा रहा है। या तो आप टेस्ट करके भी चेक कर सकते हैं, पर थोड़ा बड़ा पीस लें जो कि आपने कट किया हो उसमें से, क्योंकि उससे हमें इजीली पता चल जाएगा कि कितना और इसे कुक करना है। ढककर मैं इसे 3 मिनट और छोड़ दूँगी, जिससे कि इसका थोड़ा सा जो कच्चापन है वो दूर हो जाए। तो अब 3 मिनट बाद हम इसे फिर से चला लेते हैं। यदि आप चाहें तो इसे ढककर कुक करें, नहीं चाहें तो इस तरीके से खुला इसे फ्राई करके भी कुक कर सकते हैं, इसमें बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है। अब हम इसे चेक कर लेते हैं। तो अब देखिए बिल्कुल इजीली जो है ये जो है नाइफ अंदर जा रहा है, तो मतलब कि हमारी सब्ज़ी बिल्कुल परफेक्टली रेडी हो गई है। एकदम मसालेदार जो है कटहल बनकर रेडी हो गई है।
बढ़िया सी सब्ज़ी है, आप इसे बनाइए और इसे रोटी के साथ सर्व कीजिए। बहुत ही बेस्ट कॉम्बो होता है कि इस सब्ज़ी को आप गर्मा गर्म रोटी के साथ सर्व करें और किसी एक्स्ट्रा चीज़ की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी जब आप इसे रोटी के साथ सर्व करेंगे। तो बनाइए, खाइए और एंजॉय कीजिए। देखिए बिल्कुल परफेक्ट सी है, जो हमारी कटहल है वो कुक हो गई है। सारे पीसेस मैंने चेक कर लिए, लगभग 3-4 पीसेस हमें चेक करने चाहिए, क्योंकि कुछ छोटे होते हैं कुछ बड़े होते हैं, तो कुक होने का टाइम जो होता है थोड़ा अलग अलग हो जाता है। गैस का फ्लेम मैंने कर लिया है बंद और इसमें डाल दिया धनिया पत्ता। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए, जितना आपको पसंद है उतना धनिया पत्ता भी मिक्स कीजिए। परफेक्टली अब मैं आपको पास से दिखा देती हूँ कि हमारी सब्ज़ी जो है वो कैसी दिख रही है, एकदम मसालेदार सी, टेस्टी सी, स्वादिष्ट सी। ये जो सब्ज़ी है एकदम होममेड मसाला फ्राई रेसिपी बनकर रेडी हो गई है। चलिए इसे अब हम सर्व कर लेते हैं। रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही और स्वादिष्ट रेसिपीज़ के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करना। मैंने इसे कर लिया है सर्व, तो ये गर्मा गर्म हमारी कटहल मसाला फ्राई रेसिपी बनकर तैयार हो गई है। बनाइए, खाइए और एंजॉय कीजिए। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। घर का खाइए, घर पर बनाइए। थैंक यू।